हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन पारा सर और आज मैं आपके लिए क्लास टेंथ का पोएट्री का सेकंड लेसन द साम ऑफ लाइफ का हिंदी ट्रांसलेशन लेके आया हूँ, जिसके जो पोएट हैं वो H.W. लॉन्ग फेलो हैं। तो आज हम इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। देखिए, लिखा हुआ है सबसे पहले लाइफ इज रियल। इसका मतलब क्या होता है? लाइफ इज रियल का मतलब होता है जो जीवन है वो वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जो जीवन है वो कैसा है? उद्देश्यपूर्ण है, मतलब उसका कोई निर्णयात्मक उद्देश्य है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। लेकिन ग्रेव मतलब होता है अर्थी बोलते ग्रेव को, तो हम यहाँ पे ऐसा अर्थ लगाएंगे कि जो इसका अंतिम लक्ष्य है वो मृत्यु नहीं है इसका अंतिम लक्ष्य। जैसे सब व्यक्ति सोचते हैं कि सबसे पहले जन्म लेना और आखिरी टाइम है इसका मृत्यु, तो कवि यहाँ पे कहता है कि इसका आखिरी लक्ष्य मृत्यु नहीं है। डस्ट थू आर्ट, थू का मतलब हम लोग तुमसे लगाते हैं, मतलब इसका मतलब है मिट्टी। डस्ट माना होता है धूल, धूल से तू, आर्ट मतलब है बना है, और टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और रिटर्नेस्ट माना होता है वापस लौट जाना, यानी वो तू धूल में ही मिल जाएगा, मतलब तू धूल से बना है और धूल में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, मतलब यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, यह कहा गया है शरीर के लिए, क्योंकि आत्मा को तो हम लोग हमेशा अमर मानते हैं, इसलिए यह शरीर के लिए कहा गया है। आगे है नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो, खुशी मनाना और दुख मनाना। इज आवर डेस्टिनी एंड ऑफ वे, डेस्टिनी मतलब होता है हमारा भाग्य, ठीक है, मतलब खुशी मनाना और दुख मनाना क्या है, हमारे ये हमारी डेस्टिनी नहीं है, मतलब ये हमारे भाग्य में ऐसा नहीं है ना, इसका कोई वो है। बट वट टू एक्ट द ईच टुमारो, मतलब लेकिन कार्य करना, दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, मतलब कार्य करना कि जो हमारा अगला दिन आए वो हमारे टुडे मतलब आज के दिन से हमेशा कैसा रहे, आगे रहना चाहिए। ये है लाइफ का मुख्य टारगेट। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, जो संसार है वो कैसा है, बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है। इन द बेबोएक ऑफ लाइफ, जो जीवन है इसका जो पड़ाव है, पड़ाव मतलब होता है थोड़ा सा रुकना, जहाँ पे हम रुकते हैं। बी नॉट लाइक डम्ब, हमें क्या नहीं बनना है, डम्ब मतलब घूंगे, ड्रिवन कैटल मतलब भगाए गए पशुओं की तरह नहीं बनना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें कैसा बनना है, बी ए हीरो एक हीरो बनिए इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में, संघर्ष में आपको एक हीरो बनना है, आपको घूंगे पशुओं की तरह नहीं बनना है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।